सो हेलो गाइस, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा तो वही स्टेटस हम क्रिएट करने वाले हैं। सो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, और चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि आपने अभी स्टार्टिंग में ब्रेकअप वाला स्टेटस देख लिया होगा जो कि आप अभी बनाएंगे। सो हम वही स्टेटस बना कर देखेंगे पूरा। ओके गाइस, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, इसलिए वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वही स्टेटस बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पर एक ऐप की लिंक मिलेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। तो उसे डाउनलोड कर लेना, या फिर इसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑल मटेरियल मिल जाएंगी, फ़ोटो जो भी फ़ोटो इसमें यूज होगी वो भी इसी में मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ऊपर यहाँ पर पिन किया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो एलाइट मोशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ से आप एलाइट मोशन डाउनलोड कर लेना है, और भी यहाँ पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, ये तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी, तो दोनों लिंक को क्लिक करके यहाँ से दो प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो उन्हें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एलाइट मोशन में ओपन कर लेना है। ओके गाइस, सो एलाइट मोशन में ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा गाइस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये दो प्रोजेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ जो दो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं आपको, इस बिकमार्क वाले प्रोजेक्ट पर इस तरह से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये फोटोज़ गाइस। सो आपको क्या करना है, इन फोटो सॉरी गाइस, ये बिकमार्क दिख रहा है, तो इन बिकमार्क पर फोटो लगाने हैं हमें। सो आप फोटो लगाते हैं, हम तो फोटो लगाने के लिए इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ आएगा फोल्डर का नाम, तो उस पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। सो गाइस, इस तरह की फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। तो चलिए मैं फ़ोटो लगाता हूँ, फोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर थ्री डॉट दिख रहे हैं गाइस, उस पर क्लिक कर देना है, एंड पाँचवें नंबर पर मिलेगा आपको फिल कंपोजिशन एरिया, तो उस पर क्लिक करके इस फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और कट कर देना है। ओके गाइस, फिर सेम प्रोसेस करके सेकंड वाली फ़ोटो भी लगा लेना है, और उसे भी कट कर देना है। ओके गाइस, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के आइकन पर क्लिक करना, फोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर थ्री डॉट दिख रहे हैं वहाँ क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया, उसके बाद तीर के निशान पर और कट कर देना। सो गाइस, सारी फ़ोटो हमें इससे ही तरह स्टेप बाय स्टेप करके लगाते जाना है, और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो बनाने में अगर बाद में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, और इसमें कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे वो भी आपको मैं एंड तक बताऊंगा एंड में। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये फ़ोटो लगा लेनी है। सो मैं आपको थोड़ा जल्दी से फ़ोटो लगा के बता देता हूँ, और आप भी इसी तरह से फ़ोटो लगा लेना है। ओके गाइस, तो जल्दी जल्दी करते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइस, हमने इस तरह से ये सारी फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, ये फ़ोटो आप इस तरह से देख सकते हो। ओके गाइस, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना है, और जो भी सेक इफेक्ट है उसे ओपन कर लेना है। ओके गाइस, सेक इफेक्ट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से फोटो आ रही है, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले इफेक्ट पर जाना है, और इस फोटो पर इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, इतना करने के बाद बैक आना है, और बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट की दो फोटो छोड़ के आगे की जो भी फोटो आ रही है इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, पेस्ट इफेक्ट कर देना। ओके गाइस, फिर सेकंड फोटो आ रही है उस फोटो पर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना, फिर हम बड़ी फोटो छोड़ के जो भी छोटी फोटो आ रही है उस फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा देना है। ओके गाइस, यहाँ पर जो भी छोटी छोटी फोटो आ रही है उन सब फोटो पर ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है गाइस। तो मैं इस तरह से आपको पेस्ट करके बता देता हूँ एंड तक, उसके बाद दूसरा इफेक्ट भी आपको कहाँ लगाना है वो भी बता दूंगा। तो जितनी भी छोटी फोटो आ रही है उन सब फोटो पर आप ये वाला इफेक्ट लगा लीजिए। ओके गाइस, तो मैं जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं भी। सो गाइस, मैंने यहाँ पर सभी छोटी फोटो में ये वाला इफेक्ट लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं ये। तो अब हमें यहाँ से क्या करना, बैक चले जाना है, और हमें अब फर्स्ट वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है, राउट एंगल पर इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, इतना करने के बाद फिर से बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद इस बिटमार्क को ओपन कर लेना है,
इस बीट मार्क को ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है। ओके गाइस, उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट लगकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली फ़ोटो, उस पर भी यही वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना। ठीक है गाइस, फिर हमें छोटी फ़ोटो छोड़ देना और जो भी बड़ी फ़ोटो आ रही है उस पर भी यही वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, ये फ़ोटो इस पर नहीं लगाए हमें, तो इस पर भी ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देते हैं। सो मैं अब जितनी भी बड़ी फ़ोटो आ रही है उन पर यही वाला इफेक्ट पेस्ट कर लेता हूँ और आप भी इसी तरह से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर लेना। ठीक है गाइस, सो मैं जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस मैंने सारी फ़ोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा दिया हूँ। अब आपको क्या करना, फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, मीडिया के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आपने कोई PNG डाउनलोड कर रखी है तो गाइस वो लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है गाइस, मैं अगर एक बार देख लेता हूँ डाउनलोड है कि नहीं। ओके गाइस, तो ये वाला है, तो ये मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दे दूँगा टेलीग्राम पे। तो इस तरह इसे लगा लेना है और इसे एंड तक ले आना गाइस, यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक, और यहाँ से कट कर देना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसे लगा लेना है। उसके बाद ऊपर तीर का निशान दिखा, इस पर क्लिक करना और वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।